फ्रेंड्स, कल हमने क्या सीखा था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब हम आगे सीखेंगे, हम सीखेंगे ई फॉर बोलो, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ रहता है? एलिफेंट कहाँ रहता है बताओ? एलिफेंट जंगल में रहता है। कहाँ रहता है? जंगल में। एलिफेंट कहाँ रहता है? एलिफेंट जंगल में रहता है, है ना? एलिफेंट बहुत अच्छा जानवर होता है। एलिफेंट कहाँ रहता है? जंगल में। एलिफेंट कहाँ रहता है? जंगल में। एलिफेंट एक बहुत अच्छा जानवर होता है। एलिफेंट एक बहुत अच्छा जानवर होता है, बहुत बिग होता है ना। एलिफेंट कैसा होता है? बिग। एलिफेंट का कलर कैसा होता है बताओगे मेरे फ्रेंड्स? एलिफेंट का कलर कैसा होता है? प्लीज से एलिफेंट कलरफुल। हम कलरफुल एलिफेंट बनाएंगे, है ना। एलिफेंट कलरफुल ग्रे कलर का होता है। एलिफेंट कैसा होता है? ग्रे। एलिफेंट कैसा होता है? ग्रे। देखो कितना सुंदर एलिफेंट है हमारा, है ना। और F for क्या होता है? फिश। फिश होती है, फिश। F for फिश, फिश। F for फिश होती है, क्या होती है? फिश, 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 फिश होती है ना, बहुत क्यूट होती है फिश। फिश को खाना नहीं चाहिए, है ना। फिश में भी जान होती है, ठीक है। फिश बहुत अच्छी होती है। F for फिश, ओके। G for बताओगे क्या होती है चाइल्ड? G for girl, girl होती है। G for girls, girls, girls बहुत स्वीट होती है, बहुत क्यूट भी होती है ना। गर्ल्स सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, मम्मी पापा हम सब। गर्ल्स बहुत स्वीट होती हैं, है ना। ये गर्ल्स के साथ हम खेलते हैं, स्कूल जाते हैं और एंजॉय करते हैं बहुत सारा। बिफोर गर्ल्स H, ओके। H for hen, hen yani बताओ। H for hen, देती है ना। और मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है ना। मुर्गी क्या देती है? अंडे देती है, ठीक है। एच फॉर हैन, ओके। हम कल मिलते हैं, बाय।